नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गणेश पाठक। आप देख रहे हैं ट्रेड फ्रेश चैनल। ट्रेड फ्रेश चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ट्रेड फ्रेश चैनल के साथ अगर आपको संपर्क करना है या मुझसे बात करनी है, मैसेज करना है, मेल करना है, तो आप ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दिया है इसका यूज कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। आपको जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, जो मैं दिखाता हूँ वो पसंद आता है, तो मेरे चैनल को जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब करने की मैं विनती करता हूँ। तो निफ्टी की आज चाल क्या रही, कैसा मुंह दिया है निफ्टी ने, यह हम यहाँ पर ये मेरा जो टर्मिनल है उसके चार्ट पर हम देख रहे हैं। तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन हमारा गैन एंगल हिल के हिसाब से सेल लेवल था, और ये जो है व्हाइट लाइन, इसके ऊपर हमको बाय करना था। तो आप देख रहे हैं कि सेल के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया और बाय के बहुत ज़्यादा भी ऊपर नहीं गया। तो एक पूरा दिन भर में रेंज बाउंड्री कार्यक्रम रहा। निफ्टी प्लस में तो बंद हुआ, मगर ज़्यादा मुंह ना मिलने की वजह से बहुत ही कम लोगों को मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने सेल करने का मौका ढूंढा होगा और यहाँ तक आने तक रुके होंगे, उनका सेल की तरफ का प्रॉफिट बना होगा, और जिन्होंने इधर से फिर ऊपर निकलने के बाद अगर देखा होगा तो इधर उनका मुनाफा बना होगा। मगर लेवल के हिसाब से देखने गए तो 25-30 पॉइंट का ही मुंह मिला है लेवल के बाद में, यानी सेल साइड में हो या बाय साइड में हो। तो इस तरह से आज कम रेंज रही निफ्टी की। तो देखते हैं हम गैन व्हील पर कि क्या लेवल बता रहे हैं। ये 10194 और 10228। तो ये देखिए कल के क्लोज के हिसाब से 10194 का सेल बता रहा था और 10228 के ऊपर बाय बता रहा था। तो इससे बहुत थोड़ा ऊपर गया, 55 पॉइंट तक यहाँ पर, और नीचे जो है 171 है ना, इसके बीच में। तो इस तरह से छोटा सा मुंह आज निफ्टी का रहा है। कल से हमने जो है निफ्टी के साथ साथ किसी एक हद स्टॉक की बात करने का चालू किया है। तो कल हमने देखा था कि आरओ फार्मा के लिए क्या लेवल मिल सकते हैं, हमने कल बातचीत की थी। तो परसों के कल के क्लोजिंग के हिसाब से आज जो है 596.6 के ऊपर हमें आरओ फार्मा को बाय करना था, या 588.5 के नीचे हमें सेल करना था। तो हमने देखा कि कल के क्लोजिंग के आसपास ही खुला था और वहां से जो है उसने अच्छा मुंह दिया और बहुत बढ़िया एकदम 608 तक का लेवल उसने करके दिया है। ये देखिए 60 डिग्री तक वो चला है और फिर बाद में वहां से नीचे आने लगा, यानी बहुत इसके बाद वो बहुत नीचे आया और फिर इसने सेल का भी लेवल दिया, मगर सेल का लेवल से ज्यादा नीचे नहीं गया, 4-5 पॉइंट ही नीचे गया और आज की समाप्ति दी है। तो जैसा हमने कल देखा था कि इसके ऊपर चले तो बाय और इसके ऊपर चले तो सेल करना है, तो इसमें दोनों बाजू के लेवल हमें मिले हैं। तो निफ्टी के तहत हम आज दूसरा स्टॉक देखने जा रहे हैं, जो कि है इंडसइंड बैंक। आज बैंक में आपने देखा कि अच्छा मूव था, तो हमने इंडसइंड बैंक को सिलेक्ट किया है क्योंकि आज भी अच्छा चला है। तो कल ये क्या कर सकता है हम ये देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ खुला वहीं लो बना है, तो यहाँ पर वो खुला था, यहीं से लो बनकर आगे चलने लगा। तो इसको 1811 पे हमारा बाय का लेवल था, तो ये लेवल क्रॉस करके चला तो 1841 यानी यहाँ तक का उसने मुंह दिया है। 70-75 डिग्री के आसपास का इसने मुंह दिया है। तो आज ये बहुत अच्छा चला है, फिर नीचे आकर यहाँ तक आके उसने बंद दिया है इस एरिया में। तो आज के बंद के अनुसार इसमें कल क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। तो इंडसइंड बैंक ने दिया है 1829.70 पर क्लोज, तो इसके अनुसार 1836-37 के ऊपर इसको हमें बाय करना है, और बाय करके अगर पॉजिटिव चलता है तो हमको ऊपर का मुनाफा मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, आज का जो ये है मूव और
अच्छी खरीदारी हुई है, कल इसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है या कोई और बाकी डेवलपमेंट होती है तो नीचे अगर गिरने लगता है तो हमको 1822-23 के नीचे सेल करना है, ताकि हमें नीचे का भी मुनाफा मिल सकता है। तो आज के मूव के अनुसार आज तो कल भी जैसे आरओ वर्मा बड़ा हुआ था, स्टॉक हमने लिया था, आज क्या करेगा, वैसे आज हमने लिया है इंडसइंड बैंक को जो क्या चला है, तो कल क्या कर सकता है ये देखने के लिए। तो ऐसे रोज एक मैं अलग अलग स्टॉक आपको दिखाने की कोशिश करता जाऊंगा। तो इस वीडियो से पहले दोपहर में मैंने एक वीडियो डाला था छोटा सा, जो कि तो इसमें मैंने बताया था कि मैंने खुद ट्रेड किया है और आज का जो बैंक का खुशखबरी आया था, इस वजह से बैंक भागने वाले थे, तो मैंने ये बैंक ऑफ इंडिया को चुना था। तो ये जो है माय टुडेज क्विक ट्रेड बोल के ये जो मेरा आज का वीडियो मैंने इससे पहले बना के डाला हुआ था। तो ये देखिए कि जो रेंज मैंने सुबह पहले वो वीडियो में बताई थी कि 107.70, तो उसके पास ही जाकर आज का इसने क्लोजिंग दिया है। सुबह मार्केट खुलने के बाद जब भागा तो थोड़ा इतना जो ऊपर गया, तो उसके बाद यही वो खेलता रहा और 107.70 जो मैंने मेरा एग्जिट का लेवल था वही लेवल पर उसने आज क्लोज दिया है। तो ये भी वीडियो आप जरूर देखिए, तो जिसमें मैंने ये सारा ट्रेड कैसा किया, क्या किया ये बताया है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए बैंक इंडिया जो है बंद कहाँ हुआ है, तो 107.70 ये देखिए एग्जैक्ट वहीं पर बंद हुआ है जहां हमने सुबह एग्जिट ली थी। हमारे बाय सेल सिग्नल के परफॉर्मेंस क्या मिला आज वो हम देखेंगे। तो पहला जो स्टॉक है जेट एयरवेज का वो देखिए खुला 605 पर नीचे गया और फिर ऊपर भी गया, तो नीचे की तरफ उसने 5-6 रुपये का हमें मुंह दिया, जो हमारा 597 का सेल का लेवल था तो वो 592 तक लो गया है और 615 का उसने हाई भी बनाया, जो हाई हमारे 613.25 के 2.5 रुपये ऊपर था। तो इस तरह से जो है ये लेवल हम निकालते हैं आते हैं कैलकुलेशन करके, उसको अगर फॉलो करते हैं तो अच्छा हमें मुनाफा मिल सकता है। हम दूसरा स्टॉक देखेंगे टाइटन का। टाइटन का स्टॉक भी 944 पे खुला था और 951.70 पे गया, जो जहां पर हमारा बाइक का लेवल 949 था, तो यहां से 2-1 रुपया ऊपर गया और टिका नहीं, फिर नीचे आया, तो 938.39 का जो हमारा सेल का लेवल था उसको क्रॉस करके देखिए कितना नीचे गया, 15-1 रुपये वहां से नीचे गया है। तो इस तरह से ये लेवल देखकर आप काम कर सकते हैं। तो जितना भी मेरे पास है आपको दिखाने के लिए वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते हैं और आपका प्रेम भी बांटते हैं हमसे, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तक मेरा आपने साथ दिया, वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।